तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज देशभरामध्ये 500 ठिकाणी चौकीदार हे निवडणूक कॅम्पेन सुरू आहे. या चौकीदार कॅम्पेन अंतर्गत भाजपनं कार रॅली काढली. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मैं भी चौकीदार हूं का कैंपेन चलाया है, देश के तमाम लोग उससे लगातार जुड़ते जा रहे हैं. उसी से संबंधित मुंबई में एक रैली निकाली गई है. आपको तस्वीरें आपको दिख रही होगी. ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन से जुड़ने की. तमाम जो लोग हैं इस रैली में शामिल हुए हैं और उस रैली का जो थीम है वो है मैं भी चौकीदार हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो लाइन से लगी हुई हैं और लोग जो है कहीं ना कहीं पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है. साथ में लोग टी शर्ट पहने हुए हैं, साथ में पोस्टर लगाए हुए हैं गाड़ियों पर. करीब 500 गाड़ियों का दावा किया जा रहा है कि इस रैली में शामिल हुई हैं और मुंबई के अलग अलग इलाकों से लगभग 55 किलोमीटर का सफ़र करते हुए ये रैली जो है वो बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जाके ख़त्म होगी. और आप पीछे लाइनें देख सकते हैं, आपको जहां तक नज़र जाएगी सिर्फ इस रैली की गाड़ियों की कतारें ही नज़र आएंगी. और नज़र इसलिए देखिए, लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज के दिन जो है तमाम जो लोग हैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं. और इसके पीछे की वजह यह है कि उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी के समय में उनकी सरकार ने काफ़ी विकास किया है. लोग जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार फिर से चाहते हैं. आप देख रहे हैं लोगों का जोश. रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और एक कैंपेन में लोग जुड़े हुए हैं रैली की. और सही ना कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहीं ना कहीं साबित करता है कि मोदी ने जो नारा दिया था कि मैं भी चौकीदार हूँ वो सफल होता दिख रहा है और इसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं साफ तौर पर चुनाव में देखने को मिलेगा. कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज18 इंडिया, मुंबई.